भारत की आतंक पर जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब दिखने लगा है। वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान में पनप रहे आतंक के खिलाफ दुनिया एक हो रही है। सब साथ मिलकर मानवता के सबसे बड़े खतरे से लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने भी कदम आगे बढ़ाते हुए दो प्रमुख अमेरिकी मुस्लिम संगठनों के आतंकी संगठनों के साथ संबंधों की जांच कराने को कहा है। दरअसल तीन अमेरिकी सांसदों ने विदेश विभाग से अमेरिका के दो प्रमुख मुस्लिम संगठन हेल्पिंग हैंड्स ऑफ रिलीफ एंड डेवलपमेंट यानी कि HHRD और उसका सहयोगी इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी ICNA के लश्करे तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ संबंधों की जांच कराने को कहा है। अमेरिकी सांसद जिम बैक्स, चक फ्लिसमैन और रैंडी वेबर ने विदेश विभाग के नाथन सेल्स को पत्र लिखकर इस बात की चिंता जताई है कि ये अपने आप को मुस्लिमों का संगठन बताते हैं, लेकिन ये दुनिया के कट्टरपंथी नेटवर्क का हिस्सा हैं। सांसदों ने पत्र में लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ICNA और HHRD जमात इस्लामी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हैं। 1 नवंबर को लिखे गए पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि वास्तव में इन दोनों संगठनों के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अमेरिकी सांसदों ने पत्र के साथ दस्तावेज सबूत भी विदेश विभाग को दिए हैं। सांसदों का मानना है कि जांच होती है तो ये पता चलेगा कि दोनों संगठनों के आतंकी संगठनों के साथ कैसे संबंध हैं। साथ ही उनका मानना है कि दोनों संगठनों और आतंकी संगठनों के बीच की साठगांठ काफी खतरनाक है, और ये जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ICNA को वर्तमान सरकार ने $10 लाख यानी 7 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता दी है। लिखे गए पत्र में कश्मीर का जिक्र करते हुए लिखा गया कि कश्मीर में जारी तनाव और हिंसा भारत की स्थिरता के लिए खतरा है। ऐसे में ये अमेरिका के लिए बेहतर है कि वो इस क्षेत्र में शांति बनाए रखे और हिंसा नहीं फैलने दे और आतंकी संगठनों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाए। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में भारत की सुनंदा वशिष्ठ ने कट्टर इस्लामिक आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए सबसे भारत के साथ खड़े होने की अपील की थी। If this house is going to allow separatist slogans here, I think I'll have a walk out because I cannot have that. So, India, this is not being very respectful, Councilman. I'm sorry, I'm trying to bang my pen here. Yes. Everybody deserves to be heard here. So yes. That's all. Thank you very much. Thank you. I just want to make one last point. India's democratic credentials are unmatched. They have successfully, in a democratic setup, defeated insurgencies in Punjab and Northeast. It's time to strengthen India against this insurgency, and the human rights problem will be solved forever. Thank you. ऐसे में भारत से लेकर अमेरिका तक को ये एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान पोषित आतंक कितना खतरनाक है। अब दुनिया को तय करना है कि क्या ऐसे आतंक के साथ आंख मिचौली करते रहना है या फिर उस पर आखिरी प्रहार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।